हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान रीट थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2019 के लिए दोस्तों टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट की गई है और ये वो प्रश्न है जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। दोस्तों, जैसे पीटीआई एग्जाम हुआ, एचएम एग्जाम हुआ, ठीक है, राजस्थान प्री बीएड हुआ, थर्ड ग्रेड हुआ, ठीक है, आरएएस, जेल प्रहरी, जितने भी एग्जाम लगे हैं दोस्तों, उन सभी में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं वो ही प्रश्न कराऊंगा जो परीक्षा में आने लायक हैं। तो दोस्तों, एक बार सभी अगर रीट के विद्यार्थी हैं वो अगर हमारे चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी के साथ में जुड़ जाएं तो दोस्तों रीट की प्रॉपर क्लासें भी शुरू कर दी जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों, आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, रीट में भारतीय इतिहास के अंदर सबसे पहला टॉपिक है वो है सिंधु सभ्यता, ठीक है, सिंधु हड़प्पा सभ्यता। ये सभ्यता है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो दोस्तों देखो, पहला प्रश्न है, कौन सा शासक गोड यानी कि बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था। तो दोस्तों, कौन सा शासक है गोड में भोज प्रथम का समकालीन था। चार ऑप्शन दोस्तों मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ, रामभद्र, काकुका, देवपाल और त्रिलोचनपाल, ठीक है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है देवपाल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, देवपाल। देखो, भोज प्रथम अथवा मिहिर भोज, ठीक है, भोज प्रथम का ही दूसरा नाम क्या है, मिहिर भोज, जिसको अपन जानते हैं। भोज है वो उनके कुल का नाम अथवा उपनाम था, ठीक है। और ये दोस्तों भगवान विष्णु के यानी कि वराह अवतार का उपासक था। कौन? भोज प्रथम, ठीक है, याद रखना इस चीज को। दूसरा देखो, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है। निम्नलिखित में से किस उत्खनन में दोस्तों चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है। चार ऑप्शन आपके सामने है, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है बैराट, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम सिक्कों का प्रचलन है वो 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह मुद्राएं खुदाई के दौरान खंडित अवस्था में प्राप्त हुई है, अतः इन्हें आहत मुद्रा भी कहा जाता है। इन पर विशेष चिन्ह बने हुए हैं, अतः इन्हें पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट है, तीन नंबर प्रश्न है, देखो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोट का उपयोग कर सही उत्तर अपने को चुनना है, ठीक है। तो दोस्तों देखो, इसमें एक तरफ है सूची फर्स्ट में शिक्षण संस्थान और दूसरी तरफ है दोस्तों स्थान, ठीक है, एक तरफ है शिक्षण संस्थान और दूसरी तरफ है स्थान। तो देखो, विक्रमशिला, विक्रमशिला शिक्षण संस्थान है वो कहाँ पर है, तो ये दोस्तों भागलपुर बिहार में है। वल्लभी शिक्षण संस्थान ये कहाँ पर है, तो ये भावनगर गुजरात में है। तक्षशिला, तक्षशिला शिक्षण संस्थान है ये दोस्तों रावलपिंडी पाकिस्तान में है। और अहिनवाला, सही देखो, अहिनवाड ये कहाँ पर है, तो ये दोस्तों पाटन गुजरात में है, ठीक है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है रावलपिंडी है ये किसके नाम पर पड़ा था, तो बप्पा रावल के नाम पर ही ये दोस्तों रावलपिंडी नाम पड़ा था, ठीक है। चार नंबर का प्रश्न है, अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। तो दोस्तों, अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्न में से कौन है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों दामोदर। कौन थे? दामोदर, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, आबू के अभिलेख के लेखक कौन है, आबू के अभिलेख के लेखक कौन है, तो दोस्तों शुभचंद्र। कौन थे? शुभचंद्र। ये दोनों प्रश्न है ये दोस्तों पुलिस परीक्षा 2018 के अंदर पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स नंबर प्रश्न है, देखो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में है पुरावशेष और सूची सेकंड में है स्थल, ठीक है, सूची फर्स्ट में है पुरावशेष और सूची सेकंड में है स्थल। तो देखो दोस्तों, मस्त हाथी तो ये कहां पर है, तो ये एलिफेंटा गुफा में। चार एशियन सिंह हैं ये दोस्तों सारनाथ में है। भव्य प्रवेश द्वार ये सांची में है और त्रिमूर्ति प्रतिमा ये धौली में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी के सभी हैं वो सही सुमेलित है। तो दोस्तों, सातवां नंबर का क्वेश्चन है,
अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? देखो ऑप्शन है रामायण, महाभारत, जातक कथाएं और पंचतंत्र कहानियां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जातक कथाओं से संबंधित है दोस्तों अजंता की गुफाएं। अभी अजंता की गुफाएं हैं वो कहां पर है? तो दोस्तों अजंता की गुफाएं औरंगाबाद के उत्तर में 107 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन गुफाओं की खोज 1819 ईस्वी में ब्रिटिश सेना की मद्रास रेजिमेंट के सैन्य अधिकारी द्वारा शिकार खेलते समय की गई थी, ठीक है। और ये गुफाएं अपनी भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट है आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनित स्थल है। आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनित स्थल है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कहाँ पर? तो दोस्तों ये बालाथल में, ठीक है, बालाथल है ये आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनित स्थल, ठीक है। ये दोस्तों असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2018 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। बालाथल एक ऐतिहासिक ग्राम है जो उदयपुर राजस्थान से 42 किमी दक्षिण पूर्व में वल्लभ नगर तहसील में बालाथल स्थित है, ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। और इस टीले की खोज है वो 1993 में वी एन मिश्रा के नेतृत्व में की गई थी। 9 नंबर प्रश्न है कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? तो दोस्तों कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए घोष या अमलानंद घोष। ये भी दोस्तों असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2018 के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है जांगल जनपद की राजधानी थी। तो दोस्तों जांगल जनपद की राजधानी है वो कौन सी थी? तो अही छत्रपुर। कौन सी थी? अही छत्रपुर, जो वर्तमान नागौर है। 11 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में नहीं था? चार ऑप्शन आपके सामने है लोथल, देमाबाद, सुरकोटड़ा और धोलावीरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है देमाबाद, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है 12 नंबर प्रश्न है पुरातात्विक अवशेष के रूप में निम्नलिखित में से कौन से तत्व कालीबंगा में नहीं पाए गए? तो कौन से तत्व कालीबंगा में नहीं पाए गए? तो देखो काले रंग की चूड़ियां पाई गई, अग्निकुंड पाए गए, हल से जुते खेत ये भी पाए गए, युगल समाधान। तो दोस्तों युगल समाधान है ये नहीं पाया गया था कालीबंगा के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों युगल समाधान, ठीक है। दोस्तों SSC CGL 2018 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट है अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। दोस्तों ये प्रश्न है ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है, RAS में भी पूछा गया था और मोटर व्हीकल SI का एग्जाम था उसी में भी ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है तो वो है गोसुंडी शिलालेख, ठीक है। गोसुंडी शिलालेख है इसका निर्माण है वो दोस्तों किसने करवाया था? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि यहाँ पर दोस्तों एक गोसुंडी बावड़ी भी थी, ठीक है, और जोधा की पुत्री थी जिसका नाम था श्रृंगार देवी, ठीक है, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था गोसुंडी बावड़ी का। दोस्तों गोसुंडी का शिलालेख है ये ब्राह्मण लिपि में संस्कृत भाषा में रचित यह अभिलेख चित्तौड़गढ़ के गोसुंडी नामक स्थान पर स्थित है जिसे सर्वप्रथम DR भंडारकर ने पढ़ा था। नेक्स्ट प्राग ऐतिहासिक काल के शैल चित्र किस स्थान पर मिले हैं? प्राग ऐतिहासिक काल के शैल चित्र किस स्थान पर मिले हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गरदड़ा में मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? गरदड़ा में। दोस्तों ये प्रश्न है राजस्थान प्री-बीएड परीक्षा 2016 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो दोस्तों किसकी पूजा करते थे? तो दोस्तों पशुपति की पूजा करते थे। किसकी पति सॉरी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे। देखो सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी पुरुष देवता यानी कि पशुपति की पूजा करते थे, याद रखना इसको, ठीक है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है वो अज्ञात थी। कौन सी थी? अज्ञात, ठीक है, जो ज्ञात नहीं हो सकती, नहीं हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी कृति कृष्णदेव राय ने लिखी थी? तो दोस्तों कौन सी कृति है वो कृष्णदेव राय ने लिखी थी? तो उसका नाम है अनुकत मर्यादा। क्या है? अनुकत
मल्यादा, ये कृति है ये दोस्तों कृष्ण देव राय ने लिखी थी। नेक्स्ट सिंधु घाटी की खुदाई से प्राप्त वस्तुएं हैं, तो दोस्तों सिंधु घाटी की खुदाई से प्राप्त वस्तुएं हैं तो कौन सी है, तो नृत्य करते हुए लड़की की आकृति है वो दोस्तों ये वस्तु है प्राप्त हुई है, ठीक है याद रखना। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे, तो दोस्तों लोहा का प्रयोग नहीं करते थे, आरएएस 2007 के अंदर प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन काल क्या था, तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो उत्खनन काल है वो 2250 से 1750 ईसा पूर्व था, ठीक है याद रखना, आरएएस 2010 में पूछा जा चुका है प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति उत्खनन द्वारा प्राप्त हुई है, तो दोस्तों कांसे की नर्तकी की मूर्ति दोस्तों किसमें प्राप्त हुई है, तो ये मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई है, आरएएस 2010 में प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मोहनजोदड़ो में, कहाँ पर है मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो आवासी ग्रह बने हुए थे, तो दोस्तों मोहनजोदड़ो आवासी ग्रह वो किसके बने हुए थे, तो दोस्तों ईंटों से बने हुए थे, किससे ईंटों से, आरटीएस 1993 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है और राजस्थान पुलिस 2007 में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट सिंधु घाटी की लिपि की सूचना ज्ञात होती है, तो दोस्तों सिंधु घाटी की लिपि की सूचना ज्ञात होती है तो किससे ज्ञात होती है, तो ये दोस्तों मोहरों से ज्ञात होती है, किससे मोहरों से। नेक्स्ट वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम होना चाहिए, वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम होना चाहिए तो कौन सा, तो वो है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। नेक्स्ट है किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो मैंने आपको बताया था काली चूड़ियाँ, ठीक है, और जुते हुए खेत के अवशेष ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो दोस्तों कालीबंगा राजस्थान से, ठीक है याद रखना। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो दोस्तों पशुपति की पूजा करते थे, किसकी पशुपति की पूजा करते थे, दोस्तों सेकंड ग्रेड 2013 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था और आरएएस में 1995 में प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का इलाका कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये पाकिस्तान में स्थित है, कहाँ पर स्थित है पाकिस्तान में। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा का मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो कौन थे, तो दोस्तों सर जॉन मार्शल थे, कौन थे सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न है धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे, तो कहाँ पर प्रकट हुए थे, तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में प्रकट हुए थे, कहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में प्रकट हुए थे। नेक्स्ट कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो दोस्तों अमलानंद घोष यानी कि ए घोष को दिया जाता है ये श्रेय, ठीक है। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न है इसमें देखो कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता में मात्र सत्तात्मक समाज का प्रमाण है, कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता में मात्र सत्तात्मक समाज का प्रमाण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मातृ देवियों की उपासना, मातृ देवियों की उपासना। ये प्रश्न है दोस्तों थर्ड ग्रेड यानी कि रीट में पूछा गया था 2009 में, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी, तो दोस्तों कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी, तो ये दोस्तों इसमें मिस्र सभ्यता के समकालीन थी हड़प्पा सभ्यता, ठीक है याद रखना। देखो ये भी आरटेट 2012 के अंदर प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न है सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था, तो दोस्तों तांबे का उपयोग किया था सर्वप्रथम मानव ने धातु का प्रयोग, ठीक है। किस हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा, तो दोस्तों
किस हड़प्पाकालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा? तो दोस्तों वो है वृहत स्नानागर। नेक्स्ट है 35 नंबर प्रश्न है, किस सैंधव स्थल में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? तो दोस्तों वो मिले हैं कालीबंगा में। कहाँ पर? कालीबंगा में। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर मिलते हैं? तो वो दोस्तों मुहरों पर मिलते हैं। किस पर? मुहरों पर। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से रथ की सुंदर कांस्य मूर्ति मिली है? तो दोस्तों वो मिली है मोहन जोदड़ो से। ठीक है दोस्तों, सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती 2011 के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है 38 नंबर है, हड़प्पा की एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था किस स्थल की खुदाई से प्राप्त हुई है? तो वो है धोलावीरा से। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी का कौन सा स्थल भारत में है? तो दोस्तों वो है कालीबंगा। कौन सा? कालीबंगा। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ कहाँ पे है? राजस्थान में। नेक्स्ट है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो दोस्तों गाय के अवशेष है वो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? तो वो है दोस्तों लोथल। नेक्स्ट है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, वो पता चलता है धोलावीरा से। कहाँ से? धोलावीरा से। नेक्स्ट है 43 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो वो जाना जाता है मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 44 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो वो है मोहनजोदड़ो। कहाँ पर है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में। ठीक है 45 नंबर प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला प्राचीन शहर कौन सा था? तो वो था दोस्तों हड़प्पा। कौन सा? हड़प्पा था दोस्तों। ठीक है, बीएड 2013 के अंदर यह प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दोस्तों जिन दो भारतीयों ने की है उनका नाम क्या है? तो वो है दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। सेकंड ग्रेड 2011 के अंदर यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 47 नंबर प्रश्न है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो वो मिला है दोस्तों कालीबंगा से। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो आद्य शिव। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है 49 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो दोस्तों ईंट से बनाए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागर पाया गया है? तो दोस्तों वृहत स्नानागर कहाँ पाया गया है? तो ये मोहनजोदड़ो में पाया गया है। कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो में पाया गया है। नेक्स्ट है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो वो थे दोस्तों कपास। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया गया था? तो दोस्तों सेल खड़ी का किया गया था। ठीक है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में किया गया था? तो दोस्तों सेल खड़ी पदार्थ का उपयोग है वो हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में किया गया था। दोस्तों ये प्रश्न है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 53 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता है वो कौन से युग की थी? तो ये कांस्य युग की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोला से परिचित थे, यह खोज कहाँ पर हुई? तो दोस्तों यह खोज है वो कहाँ पर हुई? तो ये लोथल में हुई। कहाँ पर हुई? लोथल में हुई थी दोस्तों ये खोज। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो दोस्तों कौन थे हड़प्पा सभ्यता के निवासी? तो दोस्तों शहरी थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार। नेक्स्ट है,
रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है, तो दोस्तों वो कहाँ पर है, तो वो सौराष्ट्र में, कहाँ पर, सौराष्ट्र में। नेक्स्ट है, देखो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, तो दोस्तों कौन सी उक्ति सही है, तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ठीक है। नेक्स्ट है, और आज का अंतिम प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो दोस्तों लाल रंग का उपयोग हुआ था, याद रखना, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गए आज के अपने जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। कल दोस्तों वैदिक संस्कृति से संबंधित इसमें प्रश्न आएंगे। ये दोस्तों मैंने आपको ये 60 प्रश्न कराए हैं, ये किसी न किसी एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में ये पूछे गए हैं। तो दोस्तों अगर आप रेट की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों एक बार अगर इस वीडियो को अगर 2000 लोग अगर देख लेते हैं, तो दोस्तों आपकी रेट की क्लासें हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज ये दोस्तों स्टार्ट कर दी जाएगी, अगर एक वीडियो को 2000 लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा है वो इस वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।